पर्यायवाची शब्द हम जानेंगे, जो जितने भी शब्द हैं, कुछ शब्द जो इम्पोर्टेंट आपके और हमारे बीच ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं, और ये सभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है आकाश का पर्यायवाची शब्द हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ। आकाश का पर्यायवाची अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ। अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। क्या होगा अग्नि का? आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। फिर है आँख का, जो आप दोस्तों आँख जिस आँख से जिससे देखते हैं, आँख, नेत्र, उसे क्या सब कह सकते हैं? नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, ये सभी चीज़ जो है दृग, ये क्या है? ये सभी जो है आँख का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। फिर है अश्रु, अश्रु यानी कि उसे हम क्या सब कह सकते हैं? दानव, दनुज, दानव, दनुज, राक्षस, निशाचर, दैत्य, ये सभी क्या है? ये सभी जो है असुर का जो है पर्यायवाची शब्द। फिर है अमृत, अमृत का दोस्तों हो जाएगा पीयूष, क्या हो जाएगा? पीयूष, सुधा, अमीय, क्या हो जाएगा? सुधा, अमीय, ये सभी जो दोस्तों क्या है? अमृत के जो है पर्यायवाची शब्द है। फिर अगला पर्यायवाची शब्द देखेंगे, जैसे नौ, नौ जो नौका जिसे आप कहते हैं उसे नौ, नौका होगा नैया, नौका, तरनी, तरनी और तड़ी, ये सभी क्या है? तड़ी, ये सभी जो है नाव के पर्यायवाची है। फिर है नदी, नदी का होगा सरिता, क्या हो जाएगा? सरिता, निम्नगा, निम्नगा और निर्झनी, क्या हो जाएगा? निर्झरनी, निर्झरनी जो है दोस्तों हो जाएगा। फिर है नारी का, जो महिलाएं औरतें होती है उनका, नारी का हो जाएगा महिला, रामनी, रमनी, बाला, कामिनी, स्त्री, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? स्त्री। फिर है जल, जो हम पानी पीते हैं उसका, पानी, नीर, पय, रस, पानीय, तोय, ये सभी जो दोस्तों क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द। फिर है अगला जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा, जंगल का हो जाएगा वन, कानन, अट्टवी। फिर है आर्य और है विपिन, क्या हो जाएगा? विपिन, अरनय, वन, कानन, अटवी, अरनय, विपिन। फिर अगला हो जाएगा तालाब, तालाब का हो जाएगा सरोवर, रस, सरोवर, सर, पुष्कर, तराग, क्या हो जाएगा? तराग, ये सभी दोस्तों क्या है? तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर अगला है पति, जो हस्बैंड होते हैं उनका पति का हो जाएगा स्वामी। फिर आर्यपुत्र, जो आर्यपुत्र दोस्तों आप जानते भी होंगे, पहले रामायण महाभारत अगर देखे होंगे तो उसमें जो है माता सीता जो है प्रभु राम को क्या करते हैं? आर्यपुत्र के नाम से जो है बुलाया करते थे। फिर है बल्लभ, फिर है भर्ता, ये सभी जो है पति के जो है पर्यायवाची। फिर पत्नी है, तो पत्नी का होगा दारा, गृहिणी, बहु, वधु, तीय और बामा, ये सभी पत्नी के जो है पर्यायवाची। फिर है पर्वत, पर्वत का जगह गिरी, शैल, पहाड़, नग, भूधर, ये सभी क्या है? पर्वत के जो है पर्यायवाची है। फिर है पार्वती, पार्वती मैया जो है उनके, उनको हम किन किन नाम से जानते हैं? गौरी, शिवा, फिर भवानी, दोस्तों भवानी जो है, और जैसे काली के में भी भवानी बोलते हैं। फिर है आर्या, फिर है रुद्राणी, ये सभी जो है इनके पार्वती के जो है दोस्तों पार्वती के जो है पर्यायवाची शब्द। फिर है पुत्र, पुत्र का होगा तनय, सूत, पवन सूत, हनुमान कहते हैं ना, पवन सूत यानी कि पवन का बेटा हनुमान, तो सूत, बेटा, लड़का, आत्मज, आत्मज मतलब बेटा। फिर है पुत्री, इसमें होगा तनाया, तनिया, सूता, बेटी, लड़की और आत्मजा, आत्मजा और तनुजा, ये सब यानी कि पुत्री का पर्यायवाची होता है। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि भूमि, जो आप धरती जिसे कहते हैं उसका हो जाएगा भू, भूमि, धरती, वसुधा और वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी का हो जाएगा। फिर है यहाँ पर दास, मतलब सेवक, नौकर, चाकर और फिर अनुचर, ये सभी जो है उनका हो जाएगा। फिर यहाँ पे दुर्गा का, दुर्गा माँ जो पूजनीय है उनका है अजा, अजा, भवानी, भवानी, कालिका, चंडिका, ये सभी दोस्तों इन नाम से दुर्गा जी को जाना जाता है। फिर देवता, देवता का हो जाएगा सूर, देव,
अमर, फिर है अमर विदु विबुध और त्रिदस, ये सभी जो है इनका हो जाएगा इनका देवता का। फिर यहाँ पर है यहाँ पर आप देखेंगे क्या है घोड़ा का दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो हर है तुरंग घोटक बाजी और अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। फिर है घर सदन भवन गृह कुटीर निकेतन और आलय, अब देखते होंगे बहुत जगह होता है प्रतीक्षालय शौचालय फिर बहुत सारे ऐसे होता है, तो ये सब क्या है यानी कि आलय मतलब स्थान, विद्यालय विद्या मतलब भवन, विद्या का आलय मतलब विद्या का भवन विद्यालय, तो ये सभी चीज जो है दोस्तों आलय ये हो गया सदन मतलब घर को कहते हैं। फिर अगला है कपड़ा, कपड़ा को कहने पट बसन चीर, अब जब रामायण महाभारत देखे होंगे महाभारत में चीर हरण होता है, क्या होता है चीर हरण, द्रौपदी का जब चीर हरण होता है तो चीर मतलब वस्त्र हरण, क्या होता है वस्त्र हरण, तो यहाँ पर है अंबर वस्त्र ये हो गया। फिर है यहाँ पर क्या है कमल, कमल सरोज राजीव नलिल नलिन ताम्रन ताम्रन पंकज, ये सभी क्या है कमल के जो है पर्यायवाची है। फिर यहाँ पर है कामदेव, कामदेव का हो गया काम मदन रतिपति है रतिपति मनोज मयन मयन, ये सभी क्या है कामदेव का जो है पर्यायवाची। फिर यहाँ पर है गणेश, गणेश का होगा विनाशय गणपति गौरी सुत, गौरी मतलब पार्वती माता और सुत मतलब उसका बेटा यानी कि गौरी सुत। फिर है लंबोदर, लंबोदर उनको क्यों कहते हैं उनके लंबे उदर यानी कि उदर माने पेट उनका लंबा उदर है इसीलिए उनको क्या कहते हैं लंबोदर। फिर है गंगा, क्या गंगा, गंगा का देव नदी, फिर भागीरथी, भागीरथी इसलिए कहते हैं क्योंकि भागीरथी मुनि के द्वारा जो है उनको जो है पृथ्वी पर लाया गया था स्वर्ग लोक से। फिर है विष्णुपति, क्या है विष्णुपदी, विष्णुपदी फिर है विष्णुपदी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि विष्णु के पद पर होते हुए गंगा जी गुजरते हैं फिर विष्णुपदी। उसके बाद है त्रिपथगा, क्या है त्रिपथगा फिर है तृप्त यानी कि देव नदी भागीरथी विष्णुपदी ये सभी क्या है गंगा के जो है पर्यायवाची। फिर है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होगा देवराज, देवराज भी कहते हैं क्योंकि देवराज इंद्र आप सुने भी होंगे, देवेश, देवेश भी है। फिर है सुपति, सूरपति यानी कि सूरपति देवों के जो है पति, सूरपति यानी कि उस सभी के मालिक। फिर है देवेंद्र, देवेंद्र भी उन्हीं को कहा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद है यहाँ पे अगला चतुर, चतुर का हो जाएगा यहाँ पर चतुर का हो गया चालाक, चतुर चालाक चालाक निपुण निपुण होशियार प्रवीण ये सभी क्या है चतुर का है। चंद्रमा का चांद हिमांशु चंद्र शशि राकेश सोम ये सभी क्या है चंद्रमा का पर्यायवाची। फिर है शरीर, शरीर को हम देह वदन तनु काय गात्र ये सभी हमारा शरीर का ये पर्यायवाची शब्द। फिर है समुद्र को क्या कहते हैं सागर जलधि वारिधि उदधि सिंधु ये सभी क्या है समुद्र के पर्यायवाची। फिर है सरस्वती आने वाला है सरस्वती पूजा जिसे आप मनाते हैं तो उसका होगा शारदा, शारदा। फिर है बाग्य, बाग्य देवी, बाग देवी विद्यात्री, विद्यात्री क्या है विद्यात्री। और यहाँ पे वगीश्वरी, वगीश्वरी ये सभी क्या है सरस्वती जो है उनका है। फिर है सुंदर, सुंदर का होगा सुंदर का रम्य रमणीय मनोहर। फिर है चारु यानी कि रुचिर ये सभी क्या है इनके। फिर अगला है सोना का, क्या सब होगा सोना का हो गया कनन कंचन हेम हाटक स्वर्ण ये सभी क्या है सोना जो आप जेवरात बनाते हैं जो धातु से और सोना है उसका सोने वाला नहीं जो पलंग पे जाकर सो जाते वो नहीं जो आभूषण सोना जिनका बनता है वो सोना का बात हो रहा है। फिर यहाँ पे सूर्य, सूर्य जो आपको हर दिन सुबह सुबह देखने को मिलता है क्या है वो दिवाकर दिनकर दीनानाथ या फिर भास्कर आदित्य और फिर रवि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि यानी कि वो रवि ये वाला रवि यानी कि सूर्य को रवि भी कहा जाता है। फिर है हवा जो हम सांस में लेते हैं हवा वायु समीर क्या है वायु समीर अनिल फिर पवमान फिर पवन फिर हाथी का हो जाएगा गज मतंग हस्ती कड़ी दंती वारन ये सभी हाथी के पर्यायवाची। फिर है रात्र, रात का हो जाएगा रात्रि
निशा, निशा रात्रि, निशा रैन, रजनी विभावरी, विभावरी तमी, ये सभी क्या है? रात्रि रात का पर्यायवाची शब्द है। राजा, राजा किस, लंका नरेश, आप सुने होंगे लंका नरेश रावण, नरेश मतलब राजा, लंका का राजा रावण, लंका नरेश, अयोध्या नरेश रावण, तो ये सभी चीज होती। सम्राट, महीप, महीप, नृप, भूप, ये सभी क्या है? यहाँ से दोस्तों ये सब राजा के पर्यायवाची है। फिर अब प्रकाश, प्रकाश का हो गया ज्योति, प्रभा, आभा, धूति। फूल का हो गया सुमन, जैसा कि हमने आपको फूल, पुष्प, प्रसून और कुसुम, ये सभी फूल, फूल का पर्यायवाची है। वान क्या है? वान तीर, वान जो होता है जैसे राम रावण के युद्ध में जो होता था उसमें वान चलते थे, वान बोलते थे, और तीर, सड़, नाराज, असुग, क्या है? आसुग, ईसु, क्या है? ये सभी इसके होते। बिजली का हो गया विद्युत, जो आपके घर में बिजली चलता है उससे विद्युत, दामिनी, फिर है चपला, क्या है? चपला, चचला, चंचला, चपला, चंचला, यहाँ पे आंसर है चंचला, तड़ित, तड़ित, फिर है भौड़ा, भौड़ा का होगा मधुकर, भ्रमण, भ्रमर, अली, भावड़ा, ये सभी दोस्तों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कौन, किन के? भौड़ा के। फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न है लक्ष्मी, लक्ष्मी को, लक्ष्मी का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? कमला, रमा, इंदिरा, श्री, इंद्राश्री, क्या है? इंद्राश्री। फिर विष्णु का जो सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण, उसमें भी नारायण आगे से नारायण भी कहते हैं, हरि कहते हैं, माधव कहते हैं, जनार्दन कहते हैं, विष्णु। यमराज का धर्मराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, मृत्युदेव भी कहते हैं, अंतक भी कहते हैं, और पितृपति, पितृपति भी कहते हैं। और यहाँ पे चिड़िया का पक्षी, खग, पंछी, खग, पक्षी, अंडज, अंडज, विहंग, विहंग, ये सब क्या है? चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों यही थी, यही तक था लास्ट। तो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो वो अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करें जो आने वाली परीक्षा में भाग लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।